नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएशन में नियमित एवं प्राइवेट छात्रों के जो परीक्षा फॉर्म हैं उनकी भरने की डेट यहाँ पे आ चुकी है। तो जो छात्र महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर यूनिवर्सिटी या उससे संबंधित किसी भी महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम आगे बताने वाले हैं कौन कौन से विषय या कौन कौन से संकाय के लिए आप जो है अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे 16/11/2021 को अधिसूचना जारी की गई थी परीक्षा फॉर्म भरने के संबंध में, जिसमें नियमित एवं प्राइवेट छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें विद्यालय से संबंधित समस्त शासकीय अशासकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा यूटीडी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मई बैच मई 2020 के जो समस्त छात्र हैं वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से सब विषय या पाठ्यक्रम के लिए आप आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे समस्त छात्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारणी बनी हुई है, यहाँ पे एमए समस्त संख्याएँ, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएचएससी, बीएड, एमएड, एलएलएम और एमबीए और बीपीएड, बीएलएड। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बीसीए, एलएलबी। तीसरे नंबर पर है BA BEd और BSc BEd। चौथे नंबर पर है BA LLB और पांचवें नंबर पर है BLED। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमने संकाय आपको बताए हैं इन सभी के थर्ड सेमेस्टर दिसंबर 2021 के जो फॉर्म हैं वो यहाँ पे भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक बार और सही तरीके से बताना चाहेंगे। फर्स्ट नंबर पर जो यहाँ पे दिया गया है इसमें MA, MSc, MCOM, MHSC, BEd, MEd, LLM और MBA, BPEd और BLED के जो फॉर्म हैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद BCA और LLB के थर्ड और फिफ्थ सेम के जो परीक्षा फॉर्म हैं वो भरना स्टार्ट हुए हैं। और BSc BEd और BA BEd के जो थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर दिसंबर 2021 के फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद BA LLB में थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ सेमेस्टर के फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। और BLED फाइव सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। तो इसकी जो डेट है वो क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी बताई गई है 17/11/2021 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सामान्य शुल्क के साथ 17/11/2021 से 30/11/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो आप MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। इसकी भी इन्फॉर्मेशन हम बताने वाले हैं। और समस्त छात्रों को जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो 10/11/2021 तक जमा करनी होगी। समस्त रेगुलर एवं प्राइवेट छात्र यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ सेमेस्टर वाले समस्त छात्र। इसके बाद आपको आवेदन कहाँ से और कैसे करना है, तो हम वापस MP ऑनलाइन पोर्टल पर चलते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे MP ऑनलाइन का पोर्टल जो ओपन किया हुआ है, MCBU यूनिवर्सिटी, MCBU.MPOnline.gov.in की जो वेबसाइट इसे ओपन किया हुआ है। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको एग्जामिनेशन एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। सबसे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ सेमेस्टर दिसंबर 2021 का ऑप्शन है, तो आपको दिसंबर 2021 के ऑप्शन में क्लिक कर जो है फॉर्म भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक्शन नाउ का ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एनरोलमेंट नंबर डालने का जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जैसे ही साइड ओपन हो जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइड ओपन हो चुकी है, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको जूम करके बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्राइवेट रेगुलर का जो भी एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आपको सेशन सेलेक्ट करना है। सेशन में आप जैसे ही टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिसंबर 2021 लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको इस 2021 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हम इसे टिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट करना होता है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ सेमेस्टर है, जो भी आप यहाँ पे फीस पेमेंट करना चाहें वो सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको रेगुलर, ATKT, एक्स प्राइवेट, ATKT
प्राइवेट और सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री प्राइवेट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप नियमित छात्र हैं तो रेगुलर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अगर आप प्राइवेट छात्र हैं तो प्राइवेट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेगुलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर लिखना है B6G5D, ये कैप्चा कोड लिखना है और सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी नेक्स्ट यानी जो पिछले वर्ष आपने एग्ज़ाम दिया है, यानी आप जैसे MA थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो MA सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको वहाँ पर लिखना है, ऐड करना है और फॉर्म फिल करना है, फीस पेमेंट कर देना है। तो ये जानकारी समस्त महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के समस्त रेगुलर प्राइवेट छात्र जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेशरत हैं और इस परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं, वो यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली पूरी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।